मैं हूँ कीर्ति और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कीर्ति झा किचन। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे चैनल में हेल्दी एंड न्यूट्रिशन की टिप्स आपको मिलते हैं, हेल्दी रेसिपीज मिलती हैं, लेस ऑयल की मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपीज बनाऊं, इंडियन फेस्टिवल्स की भी पिक मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। उसके बाद कुछ टिपिकल जो रेसिपीज हैं गांव की वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। आप लोग मेरा देख सकते हैं महुआ की पूरी, वो एकदम टिपिकल यूपी स्टाइल मैंने उसमें बनाया है। और साथ साथ मैं कभी कभी नेचर से भी रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ शॉर्ट्स में, तो आप लोग इन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और बने रहने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ये है ब्रोकली। ब्रोकली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एग्जैक्टली फूल गोभी जैसा होता है, कॉलीफ्लावर जैसा, उसी की फैमिली का है ये। और इसके बहुत सारे फायदे हैं शरीर में, हमको न्यूट्रिशन जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों से मिलते हैं। दोनों की बहुत ही एक लंबी लिस्ट है, उसी लिस्ट में से आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रोकली विद राइस, ब्रोकली फ्राइड राइस भी आप उसको कह सकते हैं। इस ब्रोकली में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसमें फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंड द लास्ट वन इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए और जिनको हार्ट डिजीज़ है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो है ना, ये टोटली इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो चलिए देख लेते हैं कि ब्रोकली फ्राइड राइस के लिए हमको क्या क्या लगेगा। तो ये है हमारे पास ब्रोकली, ये है गार्लिक जो मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये है धनिया पत्ता, ये है सगा प्याज जो आजकल चला हुआ है, ये है धनिया पत्ता की चटनी, ये है सेजवान का फ्राइड राइस, ये है राइस जो कि मैंने 80% कुक करके रखा हुआ है, और ये है मेरी मसालदानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रोकली फ्राइड राइस। कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं बनाऊंगी मस्टर्ड ऑयल में, इट्स अ गुड फॉर हेल्थ। तो मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा इसमें हम देसी घी डालेंगे। देसी घी ये मेरा घर का बना हुआ है तो इसमें हम ये डाल देंगे। तो जब तक ये गर्म होता है तो मैं इसके फ़ौरन में क्या क्या डालूंगी, ये देखिए, ये है एक बड़ी इलायची, ये है सिनेमन स्टिक्स, ये है लौंग, ये है काली मिर्च और ये है जीरा। तो जैसे ही ये गर्म होगा उसमें मैं ये डाल दूंगी। तो देखिए ये हमारा सारा गरम मसाला एकदम से लाल हो गया है। अब हम इसमें जो ये गार्लिक काट के रखा हुआ है उसको हम डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए बस लहसुन हल्का सा इसमें लाल हो जाए, क्योंकि खाने में जब इसका स्वाद आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब दांत के नीचे में लहसुन जाता है, क्रंचीनेस रहनी चाहिए। तो ये देखिए अब मैं इसमें ये जो मैंने ब्रोकली काट के रखी हुई है उसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। इसको हम बढ़िया से इसमें मिला लेते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ग्रीन कलर, ऑलवेज माय फेवरेट कलर। इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे, उसके बाद हम इसमें हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी डालेंगे। तो ये देखिए हल्का सा ये सॉटे हो गया है, अब हम इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। इसको भी हमको पूरा नहीं गलाना है, हल्का सा इसमें क्रंचीनेस को रहने देना है। तो ये देखिए हल्दी और
नमक डाल के इसको मैं 3-4 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि ये हल्का सा मुलायम हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं 3-4 मिनट में कि ब्रोकली का क्या हाल है। ये देखिए अभी ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, अभी ये पका नहीं है, इसको पकना भी है और इसकी क्रंचीनेस भी रहनी है, तो इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम चला के देखते रहेंगे। तो जब तक हमारा ये पकता है तब तक हम एक काम करेंगे। मीनवाइल ये जो हमारे पास चावल है इसमें जो ये हमने धनिया पत्ता बारीक काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे, आधा मैंने रख दिया है। थोड़ा सा हम इसमें ये प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो डाल देंगे, ये देखिए। उसके बाद जो हमने ये सेजवान फ्राइड राइस मसाला लिया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, तो चलिए आप देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसी स्टेज पे ये जो हमने हरा वाला प्याज काट के रखा था उसको डाल देंगे और ये जो हमने धनिया पत्ता आधा मैंने चावल में डाल दिया है और आधा मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा तेज आंच पे इसको बढ़िया से सॉटे करेंगे। देखिए ये हरा प्याज भी बढ़िया से इसमें सॉटे हो चुका है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, अपने को पकाना नहीं है, 80% पक जाए। अब हम इसी स्टेज पे जो हमने कोरिएंडर लीव्स की चटनी बना के रखी थी उसको हम डाल देंगे। ये देखिए अभी मैंने नमक नहीं डाला है, चटनी में ऑलरेडी नमक था। इसका मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिखाया कि जैसे हम नॉर्मली धनिया पत्ता की चटनी बनाते हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्ची जीरा नमक धनिया पत्ता और हल्का सा उसमें ऑलिव ऑयल, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। आपको जैसे बनाते हैं घर में एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा ये। और ये जो बच गया है उसको भी हम हाथ से डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। सीजनिंग हम चेक करेंगे जब हम इसमें चावल डाल देंगे, क्योंकि मैंने चावल में भी जो है वो मसाला डाला है सेजवान का राइस मसाला, उसमें भी नमक होता है। तो चलिए अब हम इसमें चावल को डाल देते हैं। तो इसमें अब हम चावल डाल देंगे, खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। I can't help me and you। आप लोग इसीलिए जरूर से इसको बनाइए हमें। तो ये देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिया है और आंच को हम बिल्कुल फुल रखेंगे और अच्छे से हम हर चीज़ को मिलाएंगे। ये देखिए जिस तरीके से फ्राइड राइस बनता है सब चीज़ को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें। तो ये देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से मिला दिया है, इसकी मैंने सीजनिंग भी चेक की है, तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाएगा, बाकी सब ओके है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें मिला दिया है खाने की जान सॉल्ट। अब अगर इससे भी किसी को कम लगेगा
तो अपने हिसाब से उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं इसको अच्छे से मिलाती हूँ और फिर आप लोगों को एक फाइनल पिक देती हूँ। तो मैंने सब अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक बार इसका पूरा जो स्वाद है, जो खुशबू है, उसको पैक करने के लिए मैंने क्या किया है, इसको चावल को एक जगह इकट्ठा करके अब बस इसको हम 2-3 मिनट बिल्कुल मध्यम आंच पे छोड़ देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, वो सब एक जगह सेट हो जाए। आप कह सकते हैं कि 2-3 मिनट के लिए हम इसको दम पर छोड़ देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, अब 2-3 मिनट हो गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब मैं इसकी खुशबू लूंगी। तो चलिए 1, 2, 3 देखिए। वाओ, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आई है। मैं आपको फिर से रिकमेंड करती हूँ कि इसको जरूर से अपने किचन में बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो देखिए, ये मेरी प्लेट रेडी हो गई है। वेरी हेल्दी, वेरी डिलीशियस एंड इट्स अ सीजनल वन। तो ये है धनिया पत्ता की चटनी, सैलेड के लिए ये है अनियन, अगेन गाजर है, ये अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो खूब खाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और घर में सभी लोगों को गाजर का हलवा बना के भी खिला सकते हैं। और ये है मेरा ब्रोकली फ्राइड राइस। देखिए, एक एक चावल का दाना एकदम से खिला हुआ है, ये ब्रोकली की क्रंचीनेस नहीं गई है। तो